जी नम्रता जी ने जो कहा तो उनका अपना वर्षन है, लेकिन देश पूरा जानता है कहाँ क्या हो रहा है। 140 करोड़ जनता जो जानती है क्या हो रहा है, कितना देश आगे बढ़ा है, कितनी डेवलपमेंट हुई, कितनी प्रगति हुई, इनके पूछिए 70 साल पिछले में इन्होंने क्या क्या दिया और 10 साल में जनता को क्या क्या मिला। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, पूरे देश की बात करने के अलावा सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करूँ, यहाँ एम्स 2 मिले, किसने दिए? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी सरकार, चीन के लिए आगे बढ़ा, चीन भारतीय जनता पार्टी दिया, जम्मू भी दिया, कश्मीर भी दिया, दो दिए जी। अगर मेडिकल कॉलेज 12 जम्मू कश्मीर में मिले, वो जम्मू को मिले, कश्मीर को मिले, इनको बोलो कि इनके टाइम में कितने मेडिकल कॉलेज थे जम्मू में, नहीं पूरी दुनिया में कितने थे, इनको पूछो पूरे भारत में कितने एम्स थे। आज जम्मू कश्मीर को 2 एम्स मिले हैं, मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आज आप कनेक्टिविटी की बात करो, रोड्स की बात करिए, 6 लाइन रोड जम्मू कश्मीर मिल रही है। आप बात करिए टनल्स की, जम्मू कश्मीर को कितने टनल्स मिल रहे हैं। आप बात करिए कहीं फ्लाईओवर्स की, जम्मू कश्मीर को इनके टाइम में 1 फ्लाईओवर बना था, आज कितने फ्लाईओवर बन रहे हैं, जो लखनपुर से लेकर कश्मीर तक कितने टनल, कितने फ्लाईओवर थे, इनको याद आना चाहिए। साथ में बात करी उन्होंने बैंक में पैसा जो था, जा जो पैसा लूटा गया, इनको पूछिए 2014 से पहले लूटा गया बैंक को, जब बाद में लूटा गया 2014 के बाद कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं आया है, तो फिक्र बताएं 2014 से जितना पैसा लूटा गया बैंकों से, बैंक में लूट गया, तो जो लोगों ने लूटा उसकी लिस्ट है हमारे पास, इनको बता देंगे, लिस्ट दे देंगे, ये पढ़िए कि इनके टाइम पे बैंक को लूट के बाहर जाके बैठे थे या हमारे टाइम पे बैठे। अब ये इनका काम था, इनने उस वक्त पता नहीं कितना हिस्सा कांग्रेस ने लिया होगा, एनस ने लिया होगा, पीडीपी ने लिया होगा, उस हिस्सा इन्होंने बांटा होगा, इसलिए वो लोग बाहर बैठे जाके, अब हम वो भी पैसा वापस ला रहे। एक बात सुनिए, सुनिए आप सुनिए पहले एक बात, माहौल जोड़ता हूँ, आप सुनिए ना, आप तरह बोले, मैं नहीं बोला बीच में, आपने जो झूठे झूठे इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर थोड़ा पर्दा मत डालिए, अब सुनिए उसको, मुझे कोई पर्दा नहीं। मैं एक एक बात बताता हूँ, आप कहते हैं बैंक में पैसा, आप बैंक जाते थे, मोदी जी ने कहा था बैंक में पैसा डालेंगे, सुनिए आवास योजना में लोगों को पैसा दिया गया, पैसा कोई ऐसा नहीं है बैंक में डाला, किसी स्कीम के तहत ही जाता था, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जम्मू कश्मीर को बच्चे जबते बच्चे से लेकर मनरेगा तक दिया जा रहा है, ये मोदी जी की स्कीम है जी, ये इन्होंने कब दिया, ये कहते हैं गरीबी हटाई, 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर गए। एक और बात सुनिए, इन्होंने इनको पूछिए 80 करोड़ को आप मुफ्त राशन दे रहे हो, उसका भी हिसाब पब्लिक मांगेगी। पहले 1 करोड़ और मोदी जी द्वारा आएंगे और भारत से होगा और भारत जो है भारत जो है की चिड़िया बनेगा, इकट्ठा करके फॉरन मनी मिलेगा और मोदी जी ने पैसा वापस ला के भारत को मजबूत किया। इनको अभी कुछ पता ही नहीं है, ये एक पार्टी छोड़ किसी भी जाएंगे, इनको बोलो पहले हमें लेके आइए फिर हमारे साथ बात, आप एक बात करिए जी।